ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। जगदलपुर में मंगलवार को युवा कांग्रेसी आईपीएस अफसर से उलझ गए, जिसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक बाफना में कांग्रेस सरकार पर दबंगई दिखाने का आरोप लगाया है। मंगलवार दोपहर को सिटी कोतवाली में कांग्रेस नेताओं की पुलिस से कहासुनी हो गई थी, जिसकी जानकारी जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन को लगते ही उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से चर्चा की और शाम को अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु सत्ता की गर्मी के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता सारी मर्यादा पार करते हुए प्रशिक्षु आईपीएस विकास कुमार एवं जगदलपुर कोतवाली थाना प्रभारी अमित शुक्ला से उलझ पड़े, जिसका भाजपा के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कड़ा विरोध किया और साथ ही कांग्रेस का टाइम अप होने की बात कही। इस घटना के बाद हो गया और पहुंचने के बाद हमें ये पता चला कि एक कार्यकर्ता के साथ चोर बहसबाजी और दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले कोतवाली थाना पहुंचे, वहाँ हमारे पार्टी का महत्वी जी और सुशील मोदी जी के द्वारा आवंटन किया गया। उसके बाद इस घटना के संबंध में चूंकि पुलिस से घटना है, इसलिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में अधिकारी हैं, उनसे भी मिल करा रहे हैं। संबंधित सारे विषय की जानकारी हम लोग पुलिस अधीक्षक को अवगत कर रहे हैं, साथ ही हमने इस सारी बातों की जानकारी भी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी दिया है। ऐसे विषय में चूंकि सीसी फुटेज के समक्ष घटना हुई है और सारे विषयों पर पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि हम सारे विषय की निष्पक्षता के साथ जांच कराएंगे। जो घटना हुई है वो कोतवाली थाने पे हुई, उसका एसपी कार्यालय पे कांग्रेसियों के द्वारा घटना हुई है और ये घटना हम यदि कहें तो दुर्भाग्यजनक रूप से है। एक जहां तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कांग्रेसी कोई कार्यकर्ता है, वो किसी अपनी समस्या को लेके थाने गया था, थाने पे मतलब किसी बात को लेके उनकी बात को विवाद हो गया, विवाद के दरमियान ये विवाद बढ़ता चला गया, उस पे कांग्रेस के एक सांसद के प्रतिनिधि आए और उन्होंने भी उस विवाद को और ठंडा करने के बजाय गर्म करने का प्रयास किया। और यदि हम कहें तो इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो जाने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के जो मुखिया है सम्माननीय भूपेश बघेल जी, उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता संभले नहीं जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी जो सबसे पहले बदला हुआ अब नजर आ रहा है, यदि हम कहें तो सत्ता जाने की निशानी है। और आने वाले समय में 2023 में मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस का सत्ता नहीं आ रही है, ये बात अब निश्चित हो गई है। और बस्तर में तो कहीं से भी कोई सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नहीं दिख रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।